मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इंप्रेशन टूटता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा मेरा रियलाइजेशन ये था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं, वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था, अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान था। और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है, ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है, मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है, सुपरफिशियल है। मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी, एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है, और इस देश में इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत ये बहुत गहरा है। तो चलते चलते मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ कि अगर यह नफरत का देश नहीं है, यह पहला देश है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई मोहब्बत से लड़ी, और कोई देश है ही नहीं। मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट गांधी जी की फिलॉसफी, उसने गांधी जी की फिलॉसफी का प्रयोग किया, मगर जो उनको डायरेक्शन किसने दिया, उनको डायरेक्शन गांधी जी ने दिया, हिंदुस्तान ने।